सीएम मनोहर लाल ने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने बैंक लोन के ब्याज और पेनल्टी को माफ कर दिया है। लगभग इस पर 4,750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भिवानी में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम मनोहर लाल ने ये घोषणा की। भिवानी में 125 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी सीएम मनोहर लाल ने किया। इन किसानों ने पैक से अथवा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक्स हैं DCCB उनसे अथवा लैंड मॉर्गेज बैंक्स से लोन लिए हुए हैं। अब पूरे का पूरा इंटरेस्ट माफ, पूरे की पूरी पेनल्टी माफ। अब केवल किसान को जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है वही उसकी तरफ ड्यू है उसको जमा करा के और अपने खाते को नॉर्मल करा सकता है। NPA से उसको बाहर निकाल दिया गया है। जिन किसानों ने लोन लिया है और किसी कारणवश उसे नहीं चुका पाए हैं, उन किसानों को अब ब्याज और पेनल्टी माफ होगी। किसानों को भी एक स्ट्रेस से हुआ है कि किसान का इंटरेस्ट और पेनल्टी वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है, तो इसमें से सरकार ने हम लोगों ने विचार किया है कि आखिर इसमें से एक राहत इंटरेस्ट की और पेनल्टीज की ये किसानों को दी जाए। सीएम मनोहर लाल के इस फैसले से किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है और इसको चुनावी घोषणा भी बताया जा रहा है। क्या इस फैसले से हरियाणा के किसान आने वाले चुनाव में BJP को वोट देकर अपना आशीर्वाद भी देंगे? खैर, ये बात तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। R9 TV के लिए भिवानी से जगबीर घनघस की रिपोर्ट।